तो ये भैया का रूम है, देख लीजिए। तो ये आपका बालकनी टाइप हो जाता है इधर, या का भैया रूम का बालकनी टाइप हो जाता है, देख लीजिए विंडो बहुत अच्छा खुला दिखता है। तो ये विंडो हो गया और इधर आपको लैट्रिन बाथरूम है, तो देखिए ये लैट्रिन बाथरूम है। तो यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम का लैट्रिन बाथरूम पूरा प्रोफेशनल है, तो ये लैट्रिन बाथरूम पूरा मतलब सब कुछ इमेजिंग है। और चलिए बाहर निकलते हैं। भैया आए हैं रूम के लिए, दो गो भैया आए हैं, तो उनको भी मैं रूम दिलवाने ही जा रहा हूँ, क्योंकि आज है जो मतलब एक दिन में दो दो लोग आए हुए हैं, तो मैं उन्हीं को अभी रूम दिलवाने जा रहा हूँ। पहले उनको रूम दिखाऊंगा, एक 1 BHK का मैं फुल फिनिशिंग रूम दिखाऊंगा, और उनको एक 2 BHK का ओनली 4500 में, मतलब बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में। और आपको मैं लाइव दिखाऊंगा और भैया से भी मिलवाऊंगा। आप सबका बहुत शिकायत रहता है भैया आपसे कॉन्टैक्ट कैसा होता है, भैया चलिए पूछते हैं कि मेरे से कॉन्टैक्ट कितना दिन में हुआ और उनको रूम कैसा लगा सारा कुछ। पहले भैया से चलिए मिलते हैं, तो भैया को फ़ोन किए हैं तो उनसे आप थोड़ा मिल लेते हैं। सबको बोल रहे थे कि भैया आ रहे हैं तो भैया से मिलवाएंगे आपको, तो चलिए भैया से मिलवाते हैं। तो हेलो भैया, क्या नाम हुआ आपका? मनु। और आपका भैया? बबलू कुमार। तो मनु भैया और बबलू भैया यहाँ पे आए हैं। तो भैया यहाँ पे पहले ही बता दीजिए, बहुत लोग का नाराज़गी रहता कि कांटेक्ट कैसे होता है लोग से, मेरे से कांटेक्ट कैसे हुआ और आपको? कांटेक्ट बहुत सिंपल है, आप यूट्यूब से इनका ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें 159 चार्जेस से इनका डायरेक्ट नंबर के लिए आप डायरेक्ट नंबर से संपर्क कर लीजिए। देखिए जो जिनका जर्जेंट रहता है वो अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट करते हैं, जिनको अगर लॉन्ग टाइम तक चलो थोड़ा सा लेट भी होगा तो चलेगा, तो इंस्टाग्राम में आप मैसेज करते हैं। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आप जो भी आप वहाँ पर लेना चाहो दोनों आपको अवेलेबल मिल जाता है। जैसे आप व्हाट्सअप पर करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, कॉल पर करोगे तो आप कभी भी कॉल करके मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो भैया आप यहाँ पर बता दीजिए कि आपको किस टाइप का और किस बजट में आपको रूम का रिक्वायरमेंट है? मेरा रिक्वायरमेंट अराउंड 4000 है, बस 1 BHK चाहिए। तो और आपको रूम में मतलब क्या क्या मतलब फैसिलिटी, आपको कुछ अपना राय बता दीजिए। बेड और बस बेड और फैन हो और नॉर्मल शांत जगह चाहिए, क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं। हाँ मतलब पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपना कुछ भी है तो अपना सोशल वर्कर जो है मतलब सोशल मीडिया में कुछ अपना कुछ करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। तो भैया आप क्या आप पढ़ाई करते हो? तो क्या चीज़ का आप पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ है और कंपटीशन के लिए तैयारी कर लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और कंपटीशन, तो भैया भी कंपटीशन कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत लोग जो ज़्यादा आते हैं मेरे से स्टूडेंटे आते हैं। तो मेरा वीडियो आपको मतलब कैसा लगा देख दाख के, थोड़ा देखे ओके तो? वीडियो तो शानदार है, वीडियो आया तभी तो हम लोग आपसे संपर्क करते हैं। अच्छा वीडियो में देखने में ऐसा मतलब कैसा लगता है, मेरे पे विश्वास कैसे होता है लोगों को, मतलब कैसा फील होता है वीडियो देखने के बाद, मेरा ट्रस्ट होना मतलब ट्रस्ट होता है कैसे होता है, मतलब ये हम जानना चाहते हैं आप सबसे। आपको बात करने का तरीका से ही पता चल जाता है कि आप ट्रस्टेड पर्सन हैं, ठीक है। आप जैसे बात करते हैं उतना काफ़ी है कि एक आदमी जज कर सकता है कि आप अच्छे लोग हैं, मतलब मतलब बहुत जितना भी लोग हमसे मिलते हैं एक बार तो यही बोलते हैं कि भैया आपका बात जो वीडियो हम आपका देखते हैं तो आपका जो बात करने का तरीका वही हमको थोड़ा भा जाता है, इसलिए हम आपसे ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट इसलिए भी करते हैं कि लोगों को मैं दिलवाता हूँ तो मैं लाइव जो मेरा कुछ एडिटिंग नहीं रहता, बस वीडियो शूट किए थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा आवाज़ वाई तो उसको कट करते हैं, बस कोई एडिटिंग नहीं रहता, नॉर्मली जैसे बात करें वही वीडियो का मैं अपलोड कर दिया। तो ये जो होता है मतलब फुल्ली लाइव रहता है ये सब, क्या इसमें मतलब कुछ है मतलब डिफरेंस आपको कुछ लगता है वीडियो में? नहीं नहीं इसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो चलिए भैया को अभी क्या कितना रूम दिखाने के लिए अभी बोले थे हम आपको कॉल पर जब आप हमसे बात किए थे, तो करीबन 3 या 4 रूम हम ऐसे भी देख सकते, हमको वीडियो मिला था करीबन 6 वीडियो, जिसमें से हम 2 सेलेक्ट किए हैं, अब वो 2 रूम देखेंगे। तो भैया तो आपको कितना हम वेट करवाएं थोड़ा ये भी बता दीजिए यहाँ पे। वेट बहुत ज़्यादा भी नहीं करना पड़ा भैया, हम 11 बजे आए थे, करीबन एक घंटा के आसपास हम लोगों ने वेट किया। हाँ जैसे होता है, जैसे आप मैं भैया को बोला कि मैं किसी और को भी रूम दिलवा रहा हूँ तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा वेट करवाना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा अरे देखिए कभी कभी मेरे कोई कोई ऐसे होते हैं जो दिन भर ले लेते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं जो आते हैं लेते हैं और उनका काम हो जाता है, मतलब लेने आते हैं, कोई कोई आते हैं जो तंग करने आते हैं, तो ये सब होता है, मतलब ये सब मेरा है, मतलब ये सब से हमको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मतलब आदत हो गया, हमको आदत से हो गया। भैया को रूम दिखाता हूँ कि कैसा रूम है, दोनों रूम के पास जाएंगे तो वहाँ भी इनको पूछेंगे कि भैया आपको रूम देखकर आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनु जी आपको रूम कैसा लगा, जो अभी बैठे हुए वही रूम में अभी बैठे हुए थे, रूम कैसा लगा आपको? रूम भैया बहुत अच्छा है, एकदम ब्रांड न्यू है, पूरा फुली फर्निश्ड। एक बार आप साथ में रूम भी दिखा देंगे मतलब भैया के साथ साथ, तो भैया आपको कैसा लगा रूम? मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, रूम चंदार है। और मतलब बजट कितना है? बजट 5000 है। और अंकल क्या क्या टर्म एंड कंडीशन बोले ये भी थोड़ा ऑडियंस को बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग टर्म एंड कंडीशन काफ़ी हार्ड है एक्चुअली, आदमी से रिटायर्ड है तो हार्ड होना भी चाहिए, मतलब थोड़ा साफ सुथरा रखना होता है और काफ़ी अच्छे से ही रहना है, सिर्फ स्टूडेंट को मतलब पूरा प्रोफेशनल टाइप का रहना, नॉर्मल टाइप का मतलब गिनहा टिनहा के नहीं रहना, प्रोफेशनल टाइप का रहना मतलब। तो और मतलब मेरा फीडबैक आपको कैसा लगा यहाँ पर ऑडियंस को बता दीजिए। भैया के कारण ही आज हम यहाँ पर हैं और काफ़ी अच्छा रूम भैया दिलवाए हैं। तो चलिए भैया एक रूम दिखा दे, आइए थोड़ा सा ऑडियंस को भी साथ साथ दिखा देते हैं।
तो देखिए ये रूम है भैया का, ये रूम है तो यही भैया का रूम है, देख लीजिए। तो ये आपका बालकनी टाइप का हो जाता है इधर, ये आपका भैया के रूम का ही बालकनी टाइप का हो जाता है, देख लीजिए। इधर विंडो बहुत अच्छा खूबसूरत दिखता है, तो ये विंडो हो गया। और इधर आपको लेटरिन बाथरूम है, तो देखिए ये लेटरिन बाथरूम है, तो ये आपका लेटरिन बाथरूम हो गया। लेटरिन बाथरूम भी पूरा प्रोफेशनल है, तो ये लेटरिन बाथरूम पूरा मतलब सब कुछ इमेजिंग है। और चलिए आप बाहर दिखा देते हैं आपको कि बाहर का कैसा है, तो थोड़ा इसका गेट लगा देते हैं। और ये देखिए इधर आपको बेड भी लगा हुआ रहता है, ये बेड भी आपको मिल जाता है, तो ये भैया को बेड भी मिल गया। और ये आपका हॉल रूम हो गया, जो ये स्पेस है ये हॉल रूम का स्पेस है। और इधर जो है ये किचन है आपका, तो ये देखिए किचन भी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत किचन भी बना हुआ है आपका, तो देखिए किचन। और ये आपका जो बेडरूम का है इसमें भी गेट लगा हुआ है, तो देखिए ये गेट है, गेट लगा हुआ है और इसमें भी बहुत खूबसूरत है। ये भी आपको मतलब इसमें आपको फुल फिनिशिंग, पंखा उंखा बेड उड मतलब सारा कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको खिड़की भी है, जैसे देख सकते हो इधर 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 दिखा दो, इधर इधर देखिए खिड़की भी है आपको, विंडो कुछ बाहर का ऐसा दिखेगा। मतलब आपको अगर लाइट भी कट जाता है तो आपको लाइट का दिक्कत नहीं होगा, मतलब लाइट आपको हमेशा आते रहेगा। तो फाइनली बहुत ही अच्छा है। और चलिए अनु जी से पूछते हैं कि फाइनली जो यहाँ पे ऑडियंस है, तो क्या ऐसा रूम मतलब ये रूम काफ़ी आपको अच्छा लगा, हमको आशा करता है क्योंकि आपको रूम बहुत काफ़ी अच्छा लगा होगा। रूम काफ़ी अच्छा है ऐसे तो, और ऐसे आप सभी स्टूडेंट हो ना? जी हम लोग हाँ, तो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। अगर आपको भी अगर ऐसे इसी टाइप का रूम अवेलेबल चाहिए या इसी प्रकार का आपको रूम चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।